राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे पशु टीकाकरण कार्यक्रम की क्रियान्विति को लेकर गुरुवार को राजकीय पशु चिकित्सालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्यावर उपखंड के पशुधन सहायकों ने भाग लिया। इस दौरान अजमेर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीतू अरोड़ा ने ब्यावर नोडल में किए जा रहे पशु टीकाकरण को लेकर पशुधन सहायकों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पशुधन सहायकों के साथ अपने अपने क्षेत्र में किए जा रहे टीकाकरण के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें दिए गए लक्ष्य तथा उसके विपरीत किए गए टीकाकरण की जानकारी ली। बैठक के दौरान दिए गए लक्ष्य के मुकाबले अब तक टीकाकरण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसकी रफ्तार बढ़ाकर लक्ष्य को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि ब्यावर नोडल में इस बार 34,000 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विपरीत अब तक 13,000 गाय तथा भैंसों का टीकाकरण किया जा चुका है। शेष लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा किए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि अभियान को लेकर ब्यावर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में 2 से 3 पशुधन सहायकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान टीम सदस्य घर घर जाकर पशुओं को 5 रुपए की कीमत पर मुंह पका तथा खुरपका रोग से बचाने के लिए टीका लगाएंगे। इस दौरान पशुओं को टैग भी लगाया जाएगा। बिना टैग के पशुओं का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के दौरान पशुपालकों का आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है, ताकि इसका इंद्राज ऑनलाइन हो सके। डॉक्टर जावेद हुसैन ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी पशुपालकों से आग्रह किया है कि अपने अपने पशुओं का टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाएं, ताकि पशुओं को मुंह पका तथा खुरपका रोग से बचाया जा सके। राष्ट्रीय FMD CP योजना के तहत हमारे नोडल ब्यावर में FMD टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे नोडल के सभी जो पशु चिकित्सा सहायक हैं, पशुधन सहायक, उनके द्वारा हमारे पूरे क्षेत्र में ये FMD टीकाकरण किया जा रहा है। इस वक्त ये FMD टीकाकरण गाय गौवंश और भैंसवंश में किया जा रहा है। और इस बार इस योजना में सभी भैंसवंश और गायवंश को जो भी टीका लगाना है उनके टैग लगाना अनिवार्य है, और पशु मालिक का आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर जो है देना अनिवार्य है, ताकि उसका इनाफ सॉफ्टवेयर में अपलोड किया सके। अतः मेरा सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि वो इस बीमारी से बचाव के लिए सभी अपने पशुओं को टीकाकरण अवश्य करवाएं, साथ में अपने पशु में टैग जरूर लगवाएं, ताकि उसका इंद्राज हो सके। अभी तक हमने नोडल ब्यावर में 13,000 पशुओं का अभी हमने टीकाकरण किया जा चुका है, और अभी हमारा टारगेट जो है वो 34,000 का लक्ष्य हमारे पास में है। इस बार तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। वो सोचते हैं कि हाँ चलेंगे, फाइनली आज आ ही गए। मैंने सोचा कि अरे भाई साहब नमस्ते। ओहो नमस्ते भाभी। ये क्या अकेले भाभी जी को नहीं लाए? आज उसने मुझसे पूछा क्या बनाओ तो मैंने कभी मूर्त रोज बनाती है आज कुछ नया बना तब से मुंह फुला के बैठे। सुनो खाना तैयार। भाई मजा आ रहा है। भाई साहब कैसा लग रहा था ना? अरे भाभी जी क्या स्वाद क्या सुगंध। ये तो इसका कमाल है। अरे ये मेरा नहीं, ये तो कार्तिक मसालों का कमाल है। कार्तिक मसाला? बिल्कुल। चंदानी एंड सन्स एक कंप्लीट किराना मार्ट लाए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर कार्तिक मसाले। बगैर मिलावट के शुद्ध मसाले हर रसोई की पहली पसंद। साथ ही कार्तिक ब्रांड की कार्तिक चाय, घोट घोट में लाए ताजगी। कार्तिक डिटर्जेंट पाउडर कपड़ों को देने जिंदगी। और शुद्धता से भरपूर तिल्ली मूंगफली सोयाबीन का कार्तिक तेल और चटपटे अचार में ब्रांडेड अगरबत्तियां। हर ग्रहण की पहली पसंद कार्तिक हींग, स्वाद व सुगंध से भरपूर। जन्म से लेकर विवाह तक सभी जरूरत का सामान उपलब्ध है, तथा मांगलिक आयोजन हेतु पूजन सामग्री व सभी प्रकार का किराना सामान बेहद वाजिब दाम में। और तो और मक्खन, पनीर, चीज, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पिज्जा व फास्ट फूड बनाने के आइटम्स भी, साथ ही डिस्पोजल आइटम्स भी उपलब्ध और ड्राई फ्रूट की विशाल रेंज। तो आज ही चले आइए चंदन एंड सन्स एक कम्प्लीट किराना मार्ट। चंदनी एंड सन्स एक कम्प्लीट किराना मार्ट चांगेट के अंदर लूम जी के ढाबे के पास ब्यावर। सामान की सूची भेजने पर होम डिलीवरी की सुविधा।